हेलो स्टूडेंट, आज के हम लेक्चर में ग्राफिकल एनालिसिस की बात करेंगे। पर ग्राफिकल एनालिसिस से पहले ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर लास्ट न्यूमेरिकल और एरियल मैग्निफिकेशन बता दीजिए। तो देखो बेटा, एरियल मैग्निफिकेशन अलग से कुछ नहीं है, रेशियो है एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है। अब क्वेश्चन ये था, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या था, मेरे सामने यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ था और मुझे इस ब्लॉक का मान लीजिए एरियल मैग्निफिकेशन निकालना था। ब्लॉक की लेंथ आपको एल दे दी थी, ब्रेड्थ दे दी थी बी। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट तो लेंथ इनटू में ब्रेड्थ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सोल्व हो गया, इक्वेशन वन मान लो इसको। अब मुझे एरिया ऑफ इमेज चाहिए, एरिया ऑफ इमेज चाहिए तो मुझे इमेज बनानी है। अब देखो मैं इस वाली लाइन को अपना एक ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ, ये सेंटर सी पे रखा हुआ था तो इसकी इमेज इसी के नीचे बनेगी, सेम हाइट की बनेगी, लेंथ आ गई। अब जो इससे इधर रखा हुआ है, मैं इस ऑब्जेक्ट को भी क्या मान सकता हूँ अपनी एक इस लाइन को भी अपना एक ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ। अब ये बियॉन्ड सी है तो हमें पता है इसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी एंड स्मॉल इन साइज होगी। आप कैलकुलेशन वगैरह करके इसकी भी हाइट निकाल सकते हो, मान लो एच आ गई। अब इन दोनों के बीच की लेंथ निकाल सकते हो, मान लो L1 आ गई, ये भी इजीली निकाल सकते हैं। अब ये मेरे पास में एक तरह से एक ट्रेपेजियम बन गई। अब मैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल सकता हूँ, तो ये एरिया आ गया एरिया ऑफ इमेज। मुझे तो मैग्निफिकेशन बतानी है, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इजीली सॉल्व कर लेंगे एरियल मैग्निफिकेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया था, अब वो क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास में एक मिरर है, इसी के पैरेलल एक दूसरा मिरर है, दोनों प्लेन मिरर है। मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कुछ भी दे दी, मान लो 20 सेंटीमीटर दी। मैंने कह दिया ये मान लो मेरा पहला मिरर है और ये मान लीजिए मेरा दूसरा मिरर है। मैंने कह दिया इससे दूर 5 सेंटीमीटर पे मान लो आपका एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब देखिए, अब क्या है, मैंने आपसे पूछ ली कि सेकंड मिरर में जो दूसरे नंबर की इमेज बनेगी बताओ वो इस मिरर से कितना दूर बनेगी। तो देखिए पहली इमेज तो बन जाएगी इसकी कितनी दूर है, ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे, पहली इमेज तो आ गई 15 सेंटीमीटर पे, क्योंकि प्लेन मिरर के सामने आप जितनी दूर खड़े होते हो इमेज भी उतनी ही दूर बनती है पीछे जाकर। कोई आपसे पूछे कि प्रूव करो तो आप सीधा कह सकते हो 1/v + 1/u = 1/f, प्लेन मिरर के लिए f इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/v = -(u) तो v = -(u). और ये बात हमें पता ही है कि अगर प्लेन मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा है माइनस है तो इमेज पीछे बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है चलो होगी बात। तो मेरी पहली इमेज मुझे पता लग गई है कि मेरी जो पहली इमेज है वो मेरी कहाँ बनेगी 15 सेंटीमीटर। मैंने तो आपसे पूछा है दूसरी इमेज बताओ कहाँ बनेगी। अब दूसरी इमेज देखिए कैसे, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इस पहले मिरर से कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर पीछे इमेज बन गई। अब इस मिरर से ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे मिरर के लिए, तो 20 और 5 ये कितना हो जाएगा आपके पास में 25 सेंटीमीटर। तो इससे अगली इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ से 25 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस बनेगी। इसी तरह से थर्ड फोर्थ सोन एंड शो फोर्थ आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट। अब देखिए ग्राफिकल एनालिसिस की बात करते हैं। अब देखिए ग्राफ्स जो हैं हमारे दो मिरर्स के लिए बनेंगे। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कनकेव मिरर के लिए। अब कनकेव मिरर के लिए भी मेरे पास में दो केस होंगे, एक केस तो मेरे पास में होगा रियल इमेज का और दूसरा केस मेरे पास में होगा वर्चुअल इमेज का। चलो मैं इसके भी पहले केस की बात कर लेता हूँ और मैं बात करता हूँ रियल इमेज के लिए। अब देखिए मेरे पास में फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ से 1/v = 1/f - 1/u हो जाएगा। अब अगर मैं इसे देखूं तो फॉर रियल इमेज तो मेरे पास में क्या होंगे, मैं ज़रा एक बार साइन कन्वेंशन यहाँ पुट कर देता हूँ। अब मेरे पास में जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी
और उसका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी नेगेटिव होगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन यू। पर इमेज क्योंकि मेरे पास में रियल है, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। रियल का मतलब है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होगा इमेज भी उधर, और इधर तो इमेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव लगा दूंगा, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 1 अपॉन। इस नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन यू। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अब चलो जरा इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैं मान लीजिए ग्राफ बना लेता हूँ बिटवीन 1 अपॉन वी एंड 1 अपॉन यू के लिए। ये है मेरा 1 अपॉन यू और ये हो गया मेरा 1 अपॉन वी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन वी तो मेरा वाई एक्सिस पे चला गया, तो ये तो मेरा वाई का रोल प्ले कर रहा है। 1 अपॉन यू मेरा एक्स एक्सिस पर है, तो ये मेरा एक्स का रोल प्ले कर रहा है। और 1 अपॉन एफ मेरा क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट, तो ये मेरा इंटरसेप्ट का रोल प्ले कर रहा है। पर यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइन है और इसके साथ एक स्लोप होता है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है टेंजेंट जो थीटा है मेरा वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 90। तो मैं यहाँ पर एक स्लोप मान लेता हूँ, मेरा 1 अपॉन एफ है, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ क्योंकि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है। तो ये जो है मेरे पास में ये ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, रियल इमेज के लिए। अब इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं कोई इंटरसेप्ट करवाता हूँ तो मुझे पता है वो मेरा 45 डिग्री और 45 डिग्री पर जा करके कटेगा, टेंजेंट 45 पे क्योंकि 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए 1 इंटू कर सकते हैं, तो ये मेरे पास में आ जाएगा ग्राफ फॉर रियल इमेज। अब चलिए जरा वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, केस टू इसी का। अगर मेरे पास में वर्चुअल इमेज हो तो क्या हो, मेरे ख्याल से अब आप इजीली बना सकते हैं वर्चुअल इमेज के लिए, कोई खास बड़ी बात नहीं है। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, कनकेव मिरर फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव। अब मैं इसको जरा मान लेता हूँ वाई, और इसको जरा मान लेता हूँ एम एक्स, और इसको जरा मान लेता हूँ सी। तो अगर अब आप ग्राफ बनाएं यहाँ पर तो इस तरफ 1 अपॉन यू हो जाए और इस तरफ 1 अपॉन वी हो जाए, तो इंटरसेप्ट है नेगेटिव, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव 1 अपॉन एफ, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। और स्लोप मेरा है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है यहाँ से मेरी लाइन इस तरह से जाएगी, यही जाएगी, ठीक है ना। ये मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ जो मेरी नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगेन स्लोप तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास में 45 डिग्री। तो ये मेरे पास में बन जाएगा वर्चुअल के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रियल और वर्चुअल दोनों को कंबाइन करके बनाइए, तो मेरे ख्याल से अब आप इजीली बना सकते हैं, ये हो जाएगा रियल और यहाँ से आगे चला जाएगा मेरा, सॉरी ये वर्चुअल हो जाएगा मेरा और यहाँ से आगे क्या आ जाएगी मेरे पास में रियल। इस तरह मेरा 1 अपॉन यू हो जाएगा और इस तरह मेरा 1 अपॉन वी हो जाएगा। कोई सीधा अगर आपसे वी और यू के बीच में पूछे तो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। अब देखिए, अब आपको एक ग्राफ बनाना है और वो बनाना है कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए आप ग्राफ बना करके रेडी रहेंगे। इसका ग्राफिकल एनालिसिस हम अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे और आगे भी कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।